नमस्कार दोस्तों, आप सभी को स्टूडेंट्स लाइफ के यूट्यूब चैनल पर स्वागत है। माय डियर फ्रेंड्स, इस वीडियो में हम सब बात करने वाले हैं बोर्ड एग्जाम 2020 और 21 की तैयारी अंतिम समय में कैसे करें। ठीक है माय डियर फ्रेंड्स, हम किस प्रकार से तैयारी करें कि हमें अच्छे मार्क्स मिल जाए। ठीक है माय डियर फ्रेंड्स, इसी पे इस वीडियो में हम सब बात करने वाले हैं। यहाँ पे हम दो प्रश्न को देखेंगे माय डियर फ्रेंड्स, अच्छे मार्क्स की प्राप्त कैसे करें और किस मंत्र का जाप करें। ठीक है, तो सबसे पहले हमें अच्छे मार्क्स लाते हैं। तो अच्छे मार्क्स लाने के लिए माय फ्रेंड्स, सबसे पहले तो हमें रेगुलर मतलब कि लगातार पढ़ाई करना होगा। ठीक है, लगातार पढ़ाई करने का मतलब एक दोस्तों, बहुत से ऐसे विद्यार्थी हैं जो क्या करते हैं कि 10 घंटे 18 घंटे मतलब पढ़ते हैं एक दिन में, और अगला दिन वह क्या करते हैं, तो कुछ भी नहीं पढ़ते हैं, जीरो। इससे क्या होता है माय फ्रेंड्स, वह पढ़ तो जरूर लेते हैं लेकिन उनकी जो कंसिस्टेंसी है वह लगातार नहीं रह पाती है। मान के लिए आप एक दिन 18 घंटे पढ़ लेते हैं, आप दूसरा दिन कुछ नहीं पढ़ते, तो हो सकता है कि अगला दिन भी, तीसरा दिन भी आप कुछ ना पढ़ पाए, चौथा दिन भी आप कुछ नहीं पढ़ पाए, हो सकता है कि आप पाँचवा दिन फिर 18 घंटा जग के पढ़ लें। इससे क्या हो सकता है कि आपकी तबीयत भी खराब हो सकती है, या फिर आपका जो दिमाग का जो मेंटेलिटी है, मतलब कि कहने की मेंटेलिटी में पागल नहीं, कहने का जो मेरा मतलब है कि आपकी जो दिमाग की जो सोच होती है उस पर थोड़ा सा प्रभाव पड़ने लगता है, और शायद आपको भूलने की जो आदत है उसमें आप शिकार हो सकते हैं। इसके लिए दोस्तों आपको क्या करना है कि लगातार पढ़ाई करना है। आप 5 घंटे ही पढ़ें या 6 घंटा पढ़ें, जितना हो सके आप उतना ही पढ़ें, लेकिन क्या पढ़ें, लगातार पढ़ें। ठीक है, क्या पढ़ना है, लगातार पढ़ना है हमारे फ्रेंड्स। दूसरी बात जो हमें ध्यान में रखनी है, दूसरी जो हमें बात ध्यान में रखनी है उसके लिए टाइम टेबल बनाने की जरूरत है। ठीक है, यदि हमारे फ्रेंड्स आप, अब आपके पास जो समय बचा है हमारे फ्रेंड्स, वह समय बहुत कम है सॉरी वह समय बहुत क्या है आपके पास, बहुत कम है, और उसके लिए दोस्तों आपको टाइम टेबल की होना बहुत ज़रूरी है हमारे फ्रेंड्स। आपको टाइम टेबल में यह सेट करना है कि किस सब्जेक्ट पर हमें विशेष ध्यान देना है। ठीक है, किस सब्जेक्ट पर हमें विशेष ध्यान देना है और किस सब्जेक्ट पर हमें कम ध्यान देना है। यदि हमारे फ्रेंड्स जो सब्जेक्ट आपका मजबूत है, जो सब्जेक्ट आपका मजबूत है उस पर हमें क्या करना है, कम ध्यान देना, और जो सब्जेक्ट मेरा क्या है, कमजोर है, उस पर हमें क्या करना है, विशेष ध्यान देना। बस इतना तो ही बात है, बस इतना ही बात है। यदि हम इस बात को समझ लेते तो कहीं ना कहीं यह जो एग्ज़ाम है हमारे लिए बहुत ही आसान, बहुत आसान, शायद आपने सपने भी नहीं सोचे हो कि इतना आसान यह एग्ज़ाम हो जाएगा। ठीक है हमारे फ्रेंड्स, दूसरी बात हमें यह ध्यान रखना है कि हमें कौन से ऐसा सब्जेक्ट है, ठीक है, जो हम जिसमें हमें कम पढ़ाई हुई है या फिर उसमें हम कम वक्त दिए हैं। ठीक है, उसको देख लेना है, ऐसा कौन सा सब्जेक्ट है जिसमें मुझे पूरी तरह से तैयार है, सिर्फ क्या करना है, उसमें रिविजन करना है। ठीक है, इन सभी बातों का आप ध्यान दीजिएगा, किस सब्जेक्ट में हमें कम तैयारी है, फिर किस तैयारी में, किस सब्जेक्ट में सिर्फ क्या बचा है, रिवीजन के लिए बचा है। माय डियर फ्रेंड्स, यदि हम अब बात करें, क्योंकि अब जनवरी मंथ चल रही है और जनवरी मंथ के बाद आपको शायद बहुत ही कम समय तैयारी करने के लिए मिलता है, और इस समय माय डियर फ्रेंड्स ज़्यादा न पढ़ें, मतलब कहने का मतलब है दोस्तों कि अब जो चैप्टर आपका छूट गया उसे बस वहीं के वहीं रहने दें। सबसे पहले आप क्या करें, रिविजन जरूर कर लें। यदि माय डियर फ्रेंड्स आप सभी सब्जेक्ट में 8 चैप्टर 9 चैप्टर पढ़ चुके हैं, किसी में 1 चैप्टर छूटा होगा तो किसी में शायद 2 चैप्टर छूटा होगा, इतना ज़्यादा किसी में नहीं छूटता है। ठीक है, यदि आप इस चैप्टर को पूरा करने के लिए आपका जो रिवीजन का टाइम है वो निकल जाएगा। यदि माय डियर फ्रेंड्स आपके पास टोटल 17 चैप्टर है, सॉरी 12 चैप्टर ही मान लेते हैं, 12 चैप्टर में से आपने 11 चैप्टर पढ़ लिया और 1 चैप्टर के चक्कर में आप 11 चैप्टर को क्या कर रहे हैं, लॉस कर रहे हैं। ठीक है, यदि हम 11 चैप्टर को पहले रिवीजन कर लेते हैं तो हमें क्या हो जाएगी, पूरी तरह से आध हो जाएगी। ठीक है, यदि हम 11 चैप्टर को रिवीजन कर लेते हैं तो हमें क्या हो जाएगी, आध हो जाएगी। यदि हम 11 चैप्टर को रिवीजन करने के बाद यदि हमारे पास टाइम है तो हम क्या करेंगे, इस चैप्टर को भी देख लेंगे। ठीक है, इससे हमें क्या होगी, जब हम एग्ज़ाम देने जाएंगे वहाँ जो प्रश्न पूछा जाएगा, ठीक है, वहाँ जो प्रश्न पूछा जाएगा उसमें हम क्या करेंगे, अधिक से अधिक प्रश्नों को बना सकेंगे। यदि माय डियर फ्रेंड्स आप 1 चैप्टर को पूरा कर पाएंगे, पूरा करने के लिए कि हमें इसे पढ़ ही लेना है, तो कहीं ना कहीं आपसे प्रश्न छूटने की
आशंका वहाँ पे बढ़ जाती है, वहाँ जो चांस है प्रश्न छूटने का वह बढ़ जाएगा। इसलिए दोस्तों सबसे पहले यहाँ पे जो बात ध्यान देना, सबसे पहले आपको लगातार पढ़ते रहना, ठीक है, पहला पॉइंट। दूसरा पॉइंट है कि जितना भी देर पढ़े लेकिन क्या पढ़ना है, 5 घंटा पढ़ना है, 6 घंटा पढ़ना, लेकिन लगातार पढ़ना, टाइम टेबल बनाकर पढ़ना, ठीक है, क्या करना है, टाइम टेबल बना के पढ़ना है। और तीसरी जो बात है हमारे फ्रेंड्स, आपको रिवीजन करते रहना, ठीक है, आपको क्या करना, रिवीजन करते रहना है, ठीक है। यदि आप इन सब बातों को थोड़ा सा अपने जीवन में उतार लेते हैं हमारे फ्रेंड्स, तो कहने क्या है, जो बोर्ड का एग्ज़ाम है वह आपको बहुत ही आसानी से निकल जाएगा। शायद यही एग्ज़ाम नहीं दोस्तों, आप दुनिया के किसी भी एग्ज़ाम में बैठते हैं तो कहने कहीं यदि आप इन 3 नियम को फॉलो करते हैं तो वह एग्ज़ाम आपके लिए आसान हो जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पे हम बात करते हैं हमारे फ्रेंड्स मंत्र का जाप करें, यहाँ पे हम कोई मंत्र देने वाले नहीं हमारे फ्रेंड्स। सबसे पहले यहाँ पे जो मंत्र है आपका वह है कि आपको जब भी लगे कि मुझसे यह काम नहीं होगा तो अपने आप से यह याद दिलाना है, या फिर आपको इस एग्ज़ाम को लेकर भय बने, डर बने, तो आपको यह याद दिलाना है कि मुझे विश्वास है कि मैं इस एग्ज़ाम को क्लियर करूँगा, मुझे विश्वास है कि मैं यह कर सकता हूँ। दूसरी बात, जब भी आपको लगे मैं जो पढ़ रहा हूँ वह भूल रहा हूँ, तो उसे अपने दिमाग में यह कहना है कि मैं जो भी पढ़ता हूँ मुझे याद है, मैं जो भी पढ़ता हूँ मुझे याद है, सॉरी। और तीसरी बात आपको यह याद रखना है कि मैं जो इस एग्ज़ाम को मैं पास कर जाऊँगा, ठीक है, इस एग्ज़ाम को मैं अच्छे मार्क से पास करूँगा, ठीक है, मैं इस एग्ज़ाम को अच्छे मार्क से पास करूँगा। यदि आप इस 3 मंत्रों को याद करते रहते हैं शायद यह एग्ज़ाम आपके लिए बहुत ही सिंपल हो जाएगी, ठीक है, इस एग्ज़ाम में आपको कोई दिक्कत नहीं होगी, इसकी गारंटी 100% है, ठीक है हमारे फ्रेंड्स, 100% है। यहाँ पे आपको मैंने 6 बातें बताई, यदि आप इन बातों पे गौर करते हैं हमारे फ्रेंड्स तो आपको जो यह एग्ज़ाम है बहुत ही सिंपल तरीके से निकाल लेंगे। तो हमारे फ्रेंड्स यदि आपको अभी भी किसी प्रकार का डाउट है तो आप हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिख दीजिएगा, यदि आपको किसी सब्जेक्ट को लेकर यदि किसी प्रकार के प्रश्न पूछना है तो आप हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिएगा। यदि हमारे फ्रेंड्स यह वीडियो आप सभी को पसंद आए तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिएगा एंड कमेंट जरूर कीजिएगा, और अपने दोस्तों को पास शेयर न करना न भूलिएगा, जिनसे कि आपका दोस्त को भी इस बात की पता चल सके। वीडियो देखने के लिए आप सभी का तहे दिल से शुक्रिया, धन्यवाद।